से आज पंचकुला के लिए एक बस रवाना की गई। इस दौरान रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारी यूनियन एवं यात्रीगण मौजूद थे। इसके अलावा हरियाणा के कुछ अन्य जिलों में भी बसें चलाई गई हैं। बस में सवार यात्रियों को सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और सभी ने मास्क पहने हुए थे। आज हिसार से पंचकुला के लिए सुबह 9 बजे बस रवाना हुई, जिसमें 15 यात्री पंचकुला के लिए रवाना हुए। हिसार से हमारे संवाददाता प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट। ऐसा जी, हमें कल एक शेड्यूल मिला था कि हिसार से पंचकुला के लिए एक बस भेजनी है 9 बजे, जिसमें ये ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से जाएगी। 16 सवारियों ने बुकिंग करवाई थी, उसमें से एक ने कैंसिल करवा दिया है और 15 के लिए हमने अभी 9 बजे बस रवाना कर दी पंचकुला के। अभी देखो, कल यहाँ से पंचकुला डिपो की जो आज वहाँ से चल के आ रही है, वो कल यहाँ से जाएगी। कल हिसार की डिपो की बस नहीं जाएगी, हिसार की बस वहाँ से चल के आएगी कल पंचकुला से। एक बस में कितनी सवारियाँ अलाउड की है अभी? 30। कोरोना महामारी के चलते लगातार 22 मार्च से जो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, उसी के तहत हरियाणा में हरियाणा रोडवेज की बसें भी बंद थी। और आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि लगभग 54 दिनों के बाद जो रोडवेज की बस आज 9 बजे पंचकुला के लिए रवाना की है, जिसमें 16 सवारियों ने एडवांस बुकिंग करवाई थी, जिसमें एक सवारी किसी वजह से नहीं आई और 15 सवारियों को अभी रवाना करने का काम किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि इस कोरोना महामारी से जल्द ही हम निजात पाके और सुचारू रूप से परिवहन की सेवाएं चलेंगे, जिससे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, और जिलों की भी स्टार्ट हुई है, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, जो रेड जोन है उनको छोड़ के न लगभग सभी डिपुओं से ये बसें रवाना की गई है। और मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा रोडवेज के कर्मचारियों का, जिन्होंने जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ है अपनी जान पे खेल के सैनिकों की तरह ड्यूटी की है। और सरकार से हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भी इसमें जो भी कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो पीपी किट है वो कर्मचारियों को उपलब्ध हो, ताकि वो उनके परिवार इस बीमारी से सेफ रह सकें।